फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है, वो स्वस्थ तभी हम। अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। 1, खाने का टाइमिंग, और 2, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। आपने ये जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, ये परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया है। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव आपने देखा होगा, जो भारत मंडपम बना है उसमें भी एक पूरा दीवार हमने योगा का बनाया है, और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फायदा होता है, कैसे कर रहा है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करने आ रहे हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ मांग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद भागवत गीता पढ़ी थी, पुराण पढ़ मांग रहा हूँ। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है, और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है, इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़िया।